प्रिय पाठकों, यह हम सौरमंडल के ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। अंततः आप भी इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रह की गति के नियम का पता किसने लगाया? कैपलर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। कौन से ग्रह के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाशमंडल। किस क्षेत्र में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? अंटार्कटिका क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है? बुध। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। कौन से ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? 57%। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का कितना समय लगता है? 1011 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मैसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? 1781। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर झुकी होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटे। ज्वारभाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वारभाटा किसके कारण आता है? चंद्रमा और सूर्य के अपकेंद्र एवं आकर्षण बल के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। कौन सा खगोल पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? शनि ग्रह। यूरेनस की खोज किसने की? हर्सले ने। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी सूर्य का सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से कब निकट होती है? 3 जनवरी। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री।
सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? कोपरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? इरेक्टोस्थनीज। पृथ्वी की तरह किस ग्रह का जीवन ही संभव है? मंगल ग्रह। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? गैलीलियो। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। सी ऑफ ट्रॉक्लिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से भी तकरीबन कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा। हेली भूम केतु का आवर्तकाल कितना है? 76 वर्ष। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? शुद्ध ग्रह। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रिट। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसतन दूरी लगभग होती है 150×10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाशमंडल। सूर्य वेब व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना लगभग। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितने समय लगते हैं? 12 वर्ष। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 687 दिन। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, यह धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी? पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। यदि पृथ्वी एक अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल में हो तो आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? काला। एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? मंगल ग्रह के लिए। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? नेपच्यून यानी वरुण ग्रह पर। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? सूर्य ग्रहण के समय। सीजिंग क्या है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा का एक सीध में रेखा में होना सीजिंग कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, इसी तरह की एक ही वीडियो में सारे जीके किसी भी टॉपिक के याद करने के लिए। धन्यवाद।